कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिन्हें 20 जून को सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के एक कार्यालय से देर रात निकले और फिर सीधे अपनी मां यानी सोनिया गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी ने आज भी बुलाया है, यानी राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का ये पांचवा दिन होगा। नेशनल हेराल्ड केस में अब तक राहुल गांधी से 4 दिनों में 40 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। राहुल गांधी से यंग इंडियन में उनकी आधिकारिक स्थिति के बारे में पूछताछ की जा रही है, जिसने नेशनल हेराल्ड चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया। उनसे एजेएल में उनके परिवार की हिस्सेदारी के बारे में भी पूछताछ की गई है। उनकी मां सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्थायी राहत मिली है। सोमवार को पहले दौर की पूछताछ रात 9:30 बजे खत्म हुई। सूत्रों ने कहा कि संघीय जांच एजेंसी के जांचकर्ता राहुल गांधी के ज्यादातर जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह पढ़ा लिखा प्रतीत होता है, समय की कमी के कारण पूछताछ के दौरान कुछ सवाल अछूते रहे, इसलिए वायनाड के सांसद को मंगलवार को पेश होने के लिए कहा गया। पूछताछ के बाद के दौर के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर ईडी के अधिकारियों को बताया कि यंग इंडियन एक गैर लाभकारी कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम के विशेष प्रावधान के तहत शामिल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता ने कहा कि इसमें से एक पैसा भी नहीं निकाला गया है। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी ने ईडी को बताया कि दिवंगत पार्टी नेता मोतीलाल वोरा एजीएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच सभी वित्तीय लेनदेन के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे। मोतीलाल वोरा उस समय AICC के कोषाध्यक्ष थे। हालांकि उनके बेटे अरुण वोरा ने आरोपों को निराधार बताया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जहां राहुल गांधी ने खुद को ईडी कार्यालय में पेश किया, वहीं कांग्रेस सांसदों, वरिष्ठ नेताओं और हजार कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पर आंदोलन हिंसक हो गया, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस और अर्धसैनिक बलों से झड़प हो गई। शीर्ष नेताओं सहित सैकड़ों कांग्रेस समर्थकों को पिछले सप्ताह बिना अनुमति के विरोध करने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए हिरासत में लिया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्हें ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में पुलिस द्वारा पार्टी सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी देने के साथ कार्रवाई करने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।